हरिद्वार। हरिद्वार एक बहुत ही पुरानी सिटी है और ये हिंदू का पिलग्रिमेज साइट है और ये उत्तराखंड में है। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको हरिद्वार के बारे में बताऊंगी। हर की पौड़ी पर जाने के लिए आपको रिक्शा या फिर ऑटो लेनी होगी, यहाँ पर कार्स अलाउड नहीं है। तो रास्ते में जाते हुए आपको छोटी छोटी शॉप्स मिलेंगी और यहाँ से आप काफ़ी कुछ बाय कर सकते हैं अपनी मनपसंद का। हरिद्वार में आप जब भी चले जाओ वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड होता है। मोस्टली यहाँ पे फेस्टिवल्स के टाइम काफ़ी ज़्यादा क्राउड होता है, यहाँ पर मेले लगते हैं। तो हरिद्वार में आपको काफ़ी सारे मंदिर मिलेंगे यहाँ पर। तो हरिद्वार में गंगा जी बहती हैं और कहा जाता है कि जो भी उसमें नहा लेता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं और कुछ भी मांगो वो सब पूरा हो जाता है। तो हरिद्वार में बहुत सारी धर्मशाला आपको मिल जाएंगी, तो बहुत ही कम प्राइस में आप यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। एंड मोस्टली धर्मशाला की कुछ टाइमिंग्स होती हैं, उसके बाद वो बंद हो जाता है, तो उतने बजे तक आपको वहाँ पर पहुँचना होता है। तो हर की पौड़ी के पास ही आपको खाने की बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी और बहुत तरह का खाना होता है और बहुत ही स्वादिष्ट खाना होता है वहाँ पर। और वहाँ पर कई लोग अभी भी प्याज यूज़ नहीं करते अपने खाने में। तो गंगा जी में पैर डालते ही मुझे बहुत अच्छा और रिलैक्स फील हो रहा था। हरिद्वार में अपनी फैमिली के साथ गई थी और मैंने बहुत इन्जॉय किया वहाँ पर। तो यहाँ पर रोज़ शाम को गंगा आरती होती है और उस टाइम बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, सब गंगा जी के आसपास बैठे होते हैं। तो ये वीडियो तब कैप्चर हुई है जब गंगा आरती हो रही थी वहाँ पे शाम के टाइम, और बहुत ही अच्छा और रिलैक्स फील हो रहा था। तो कॉपीराइट ना हो जाए वीडियो में, इसलिए मैं गंगा आरती अभी सुना नहीं सकती आपको, बट डेफिनेटली आप इस वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं इसे देखकर। तो सबसे पहले हम मोहन जी पूरी वाले के गए खाने, एंड हम हमेशा यही जाते हैं जब भी हम हरिद्वार जाते हैं, बट आई थिंक अब वैसा टेस्ट नहीं रहा है इधर का, एंड इन्होंने क्वालिटी काफ़ी कम कर दी है। तो मैं दोबारा तो यहाँ विज़िट नहीं करूँगी बिकॉज ये बिल्कुल भी टेस्टी नहीं था। उसके बाद हम गए अरोड़ास के, एंड वहाँ पर हमने रबड़ी कुल्फ़ी ऑर्डर की जो कि बहुत यमी थी, एंड उसके बाद हमने स्वीट लस्सी ली एंड वो भी काफ़ी टेस्टी थी। एंड उसी ड्यूरिंग वहाँ पर एक मिस हैपनिंग हो गई, यहाँ पर आग लग गई थी ऊपर टॉप फ्लोर में, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा भगदड़ हो गई थी, बट सब ठीक था, वहाँ कोई हर्ट नहीं हुआ था एंड सब सेफ थे। उसके बाद हम डिनर करने पहुँचे चोटी वाला, जो कि बहुत फेमस है वहाँ पर, एंड वहाँ हमने ऑर्डर किया मंचूरियन एंड नूडल्स बिकॉज कुछ चाइनीज़ खाने का मन था। तो रात को हमने पिज़्ज़ा खाया एंड ये भी काफ़ी अच्छा था, एंड उसके बाद मम्मा ने दूध पिया, ये बहुत यमी। तो जिस धर्मशाला में हम रुके थे ये वहाँ का खाना है, और यहाँ का खाना बहुत ही टेस्टी था और बहुत अच्छा था। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, एंड ऑल्सो डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि फ्यूचर में मैं जो भी पोस्ट करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए।